तो कुछ नोटेबल आपके फेमाइन हैं आपके इंडियन इकोनॉमी CUTM इकोनॉमिक्स के सेक्शन से, इसको जो है नोटेड डाउन करिए, और कुछ इस पे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे बड़ा जो फेमाइन था आपका ग्रेट बंगाल फेमाइन, ऑलरेडी इसको जस्ट मैंने अभी पढ़ाया था पॉवर्टी वाले सेक्शन, आपके ग्रीन रिवोल्यूशन वाले सेक्शन में, क्योंकि लगभग 4 जो है मिलियन पीपल्स इस फेमाइन की वजह से डाइड हुए थे आपके, इसी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के पीछे भी एक ये वाला भी आपका कारण रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फार्म लैंड बस बढ़ा रहे थे आपके, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहते, तो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन वाला भी पार्ट मैंने बनाया, देख लीजिएगा चैनल पे है। नेक्स्ट आपका है चालीसा फेमाइन जो कि 1783 में आया था। नेक्स्ट आपका है ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 में, स्कल फेमाइन जो है 1791, ओडिशा फेमाइन जो है 1866 में आया था, डक्कन फेमाइन जो है आपका 1830 में, और बिहार फेमाइन जो है आपका 1873 में आया था, और आगरा फेमाइन जो है आपके 1837 में आया था। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि जो फेमाइन था आपके 120 वर्ष के ब्रिटिश राज में लगभग जो है 31 फेमाइंस आए थे। ठीक है, ये तो 31 फेमाइन आपके आए 120 वर्ष के राज में, वैसे तो उनका बहुत लंबा शासन रहा था, बट एक सौ आपके 31 फेमाइंस आए थे, और जो लास्ट हमारा फेमाइन था, बहुत बार ये पूछा जाता है, बंगाल फेमाइन जो कि 1943 में आया था, और जस्ट मैंने बताया था आपको कि इसमें आपके 4 मिलियन पीपल्स जो है डाइड हुए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपके जो है सबसे पुराना जो हमारा फेमाइन है, दैट इज़ डक्कन फेमाइन, है ना, ये आपके डक्कन फेमाइन हमारा सबसे पुरानी जो कि प्री ब्रिटिश एरा का है, और ये ड्रॉट एंड रेनफॉल की कमी की वजह से सीवियर फेमाइन हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें हो गई थी डक्कन जो है फेमाइन के अंतर्गत, और ये हमने देखा था कि आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा देखा गया था, एज वी नो दैट कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हैवीली डिपेंड करता है आपके रेनफॉल पे, तो समर मानसून में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, रेनफॉल कम हुई थी जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था, और इसकी वजह से आपका ये वाला जो डक्कन फेमाइन है वो आया था। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये सारे फेमाइंस हैं लगभग कौन से में कौन कितने जो है पीपल्स डाइड हुए थे। अगर हम बात करें आपके 1770 के ग्रेट बंगाल फेमाइन की, तो ये बिहार, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल बिहार के आसपास देखने के लिए मिला था। ठीक है, याद रखिएगा ये बिहार का जो रीजन है उसमें, और नॉर्दर्न और सेंट्रल बंगाल के रीजन में मिला था देखने के लिए, और लगभग 10 मिलियन पीपल्स जो है यहाँ पर डाइड हुए थे आपके ग्रेट बंगाल फेमाइन में। ठीक है, और 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल यहाँ पर जो है मतलब ख़त्म हो गई थी इस पॉपुलेशन आपके जो है इस फेमाइन की वजह से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और उस समय आपके गवर्नर जनरल जॉन कार्टियर थे। ठीक है, इस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? जॉन कार्टियर थे, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पर चालीसा फेमाइन। ठीक है, जो कि आपके 1783 में हुआ था, ये हमारा इसका कौन सा रीज़न था चालीसा फेमाइन का? चालीसा फेमाइन जो था वो आपके दिल्ली में हुआ था, दिल्ली वेस्टर्न औध का रीजन, ईस्टर्न पंजाब, ठीक है, राजपूताना कश्मीर में भी ये आपके देखा गया था, और इस फेमाइन में लगभग 11 मिलियन पीपल्स जो है डाइड हुए थे। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? वॉरेन हेस्टिंग, वैसे तो गवर्नर जनरल नहीं पूछेगा बट ठीक है लिख लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, चालीसा फेमाइन के रीज़न याद रखिएगा कि किस किस रीज़न में आपकी ये वो हुआ था। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछता है कि स्कल फेमाइन का और क्या नाम है, तो स्कल फेमाइन जो इसका नाम है दोजी बारा फेमाइन। ठीक है, दोजी बारा फेमाइन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज आपका स्कल फेमाइन। ठीक है, और ये आपके कौन से वाले रीज़न को इम्पैक्ट किया था आपका जो स्कल फेमाइन है? ये आपके हैदराबाद, साउथ मराठा कंट्री, डक्कन, गुजरात और मारवाड़ वाले रीजन को आपके इम्पैक्ट किया था, हैदराबाद, साउदर्न मराठा, ठीक है, डक्कन, गुजरात और मारवाड़, इस वाले रीजन को आपके स्कल फेमाइन जो कि दोजी वाला फेमाइन था वो इम्पैक्ट किया था।
आपको याद रखना है स्कल फेमाइन का 1988 to 1994 भी कहा जाता है, लगभग एक लॉन्ग गेस्टेशन लेता है यहाँ पर, 1788 to 1994 तक ये आपका फेमाइन चला था, ठीक है। और यहाँ पर भी अराउंड 11 मिलियन पीपल्स जो है यहाँ पर डाइड हुए थे। और यहाँ पर हमारे जब स्कल फेमाइन हुआ था उस समय आपके गवर्नर जनरल की बात करें तो चार्ल्स कार्नवालिस सर जॉन शोर थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है आगरा फेमाइन, जो कि आपके 1837 to 1838 तक, एक साल तक देखने के लिए मिला था। और ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है ना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में देखने के लिए मिला था, ठीक है। और यहाँ पर आपके लगभग अगर हम बात करें तो 0.8 मिलियन पीपल्स डाइड हुए थे, ठीक है, आपके आगरा फेमाइन में। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें नेक्स्ट फेमाइन की, तो दैट इज़ आपका ओडिशा फेमाइन, ठीक है। ओडिशा फेमाइन की बात करें तो ओडिशा फेमाइन ओडिशा एंड बिहार वाले रीजन में आपके था, ओडिशा एंड बिहार वाले रीजन में आपका ये देखने के लिए मिला था फेमाइन। और यहाँ पर आपके 1 मिलियन पीपल डाइड हुए थे, ठीक है। ये हमारे इस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, अगर हम बात करें बिहार फेमाइन, बिहार फेमाइन 1873 में आपके आया था, 74 तक रहा था टोटल, ठीक है। और इसका पर्टिकुलर कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग मरे थे, बट यहाँ पर आपके बिहार फेमाइन 73 to 74 तक चला था। लॉर्ड लिटन वन यहाँ पर आपके जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस समय थे, ठीक है। एक दो और फेमाइन मैं बता देती हूँ, एक है आपका साउदर्न इंडिया, ये लिख लीजिएगा इसको, साउदर्न इंडिया फेमाइन, जो कि आपके 1876 to 1878 तक हुआ था। और ये जो इम्पैक्ट करता है ये आपके मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों को इम्पैक्ट करता है, अराउंड 6.1 to 1.3 मिलियन पीपल्स जो है इसमें डाइड होते हैं। इसमें भी अभी लॉर्ड लिटन वन ही रहते हैं, पर साउथ इंडियन फेमाइन भी हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका इंडिया फेमाइन, एक हुआ था आपका, बस एक दो और रह गए हैं, इंडिया फेमाइन जो कि आपके 1896 to 1897 में होता है। इस वाले में याद रखिएगा कि 5 मिलियन पीपल्स डाइड होते हैं। और यहाँ पर जो आपके अगर हम बात करें, वेट हाँ, यहाँ पर 5 मिलियन पीपल्स डाइड होते हैं। और ये कौन से रीज़न में आपके अगर हम देखें तो था, तो ये मद्रास, ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको यूपी अभी कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, यहाँ पर मद्रास, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस और आपके सेंट्रल प्रोविंस यहाँ पर इम्पेक्टेड था और 5 मिलियन पीपल्स यहाँ पर डाइड हुए थे। नेक्स्ट है आपका इंडियन फेमाइन में एक और फेमाइन आपका है, ठीक है, लास्ट एक और बचेगा आपका बंगाल फेमाइन, इसमें मैं बता देती हूँ, इसको ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट बताया था अभी पिछले क्लास में, बट अभी मैं फिर बता दूँगी। यहाँ पर इंडियन फेमाइन जो 1899 to 1900 के आसपास देखने के लिए मिला था, इसमें भी 5 मिलियन पीपल्स डाइड हुए थे। लॉर्ड कर्जन थे जो कि बंगाल विभाजन आपने सुना होगा। यहाँ पर ये आपके मद्रास, बॉम्बे जो है बंगाल, ठीक है, और अगर हम बात करें और कौन से रीज़न को इम्पैक्ट करता है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑलरेडी इसको बता चुकी हूँ मैं, जो सेंट्रल प्रोविंस वही वाला जो पिछला वाला था जिसमें बस उसमें आपके अलग गवर्नर जनरल थे, बट सेम इम्पैक्ट करता है सेम रीज़न को। आपने देखा कि बंगाल फेमाइन जो कि बहुत रिसेंट का है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, याद कर लीजिएगा इसको, और ये वाला भी याद कर लीजिएगा, चालीसा कभी कभी पूछ देता है। तो बंगाल फेमाइन आपके 1943 में आया था, बोला जाता है कि 4 मिलियन के आसपास आपके लोग डाइड हुए थे इस समय। कुछ आपके इसमें 1.5 बताया जाता है स्टारवेशन से मर गए थे, और 2.1 लगभग आपके एपिडेमिक बीमारी फैल गई थी उसकी वजह से यहाँ पर मरे थे, है ना। तो ये जो है कुछ नोटेबल फेमाइंस थे, इसका मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियोस में और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इंडियन इकोनॉमी के कवर करेंगे। लगातार वीडियोस देखते रहिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए फॉर श्योर। और भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कल हम बहुत सारे वीडियोस को लाएंगे चैनल पे, तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।